क्वेश्चन 14 में देखिए, इसमें हमें क्या गिवन है, टेन इनवर्स 1 माइनस एक्स और डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स इक्वल टू 1/2 टेन इनवर्स एक्स। ओके, इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैं सबसे पहले लेट कर लेता हूँ, लेट एक्स इक्वल टू टेन थीटा। ओके, और यहाँ पर थीटा की हमारी क्या वैल्यू होगी, टेन को इस साइड लेकर आएंगे तो टेन इनवर्स एक्स। ओके, देखिए जहाँ पर टेन एक्स है वहाँ पर टेन थीटा पुट कर देते हैं, और जहाँ पर टेन इनवर्स एक्स है वहाँ पर हम थीटा पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर टेन इनवर्स वन माइनस टेन थीटा और डिवाइड बाय वन प्लस टेन थीटा। ओके, और इक्वल 1/2 टेन इनवर्स एक्स है यहाँ पर, तो यहाँ पर थीटा पुट कर देते हैं। ओके, अभी देखिए यहाँ पर मैं एक फॉर्मूला यूज़ करूँगा, टेन पाई बाय 4 माइनस थीटा इक्वल टू, ये क्या होता है, 1 माइनस टेन थीटा और डिवाइड बाय 1 प्लस टेन थीटा। ओके, अगर यहाँ पर आप टेन ए प्लस ए माइनस बी का फॉर्मूला यूज़ कर इसका प्रूफ कर सकते हैं, यही मिल जाएगा। अगर आपको इसका प्रूफ देखना है तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर यही है हमारा सेम, तो इसकी जगह हम ये रख सकते हैं यहाँ पर। तो देखिए ये वैल्यू रख देता हूँ मैं, टेन इनवर्स और टेन पाई बाय 4 माइनस थीटा। ओके, इक्वल टू 1/2 थीटा। यहाँ पर देखिए बाहर टेन इनवर्स है और अंदर टेन है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमें क्या मिल रहा है, पाई बाय 4 माइनस थीटा इक्वल टू 1/2। ओके, अभी इस थीटा को इस साइड लेकर आता हूँ मैं, और तो क्या होगा, ये पाई बाय 2 इक्वल थीटा बाय 2 प्लस थीटा, इनको हम ऐड कर लेंगे तो ये क्या होगा, पाई बाय 4 इक्वल टू, इनको हम ऐड करेंगे तो थीटा बाय 3 थीटा बाय 2। ओके, अभी देखिए इस 2 को इस साइड लेकर आऊँगा मैं और 3 को नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो थीटा की हमारी क्या वैल्यू होगी, यहाँ पर रख देता हूँ मैं, 2 पाई डिवाइड बाय 4 इंटू मल्टीप्लाई में 3, ये डिवाइड में आ जाएगा तो 3 और इक्वल थीटा। तो हमारी थीटा की ये 2 है, ये 4 से कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे कितना बच रहा है, 2, और 2 इंटू 3 कितना हो गया, 6। थीटा की हमारी क्या वैल्यू है, पाई बाय 6। ओके, अभी थीटा की वैल्यू पुट कर देते हैं हम, थीटा की वैल्यू क्या है हमारी, टेन इनवर्स एक्स, तो टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या है, पाई बाय 6। एक्स की हमारी यहाँ पर क्या वैल्यू होगी, टेन को इस साइड लेकर आते हैं टेन इनवर्स को, तो ये होगा टेन पाई बाय 6। ओके, और टेन पाई बाय 6 की हमारी क्या वैल्यू होती है, टेन पाई बाय 6 की हमारी वैल्यू होती है 1/√3। तो देखिए यही हमारी एक्स की वैल्यू है। थैंक यू गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।